दोस्तों वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर एक बार फिर महाराज जी की अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है। आप सब देख रहे हैं लगातार अनवरत महाराज जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, यानी वृंदावन की परिक्रमा को महाराज जी इसी गति में लगातार अनवरत पूरी करते हैं। एक कदम भी एक पल भी रुकते नहीं। महाराज जी के हाथ में एक थैला है और दूसरे हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल है और उसमें अग्नि जो है प्रज्वलित किए हुए हैं और धूप बत्ती साथ में लेते हुए महाराज जी लगातार अनवरत परिक्रमा लगाते हैं और कहीं पर भी किसी स्थान पे नहीं रुकेंगे। मैं करीब 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा हूँ और महाराज जी इसी गत में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा पहले बताया कि 90 वर्ष की उम्र है महाराज जी की और 90 साल की उम्र में इस अवस्था में आकर व्यक्ति का चलना मुश्किल हो जाता है, 2 कदम व्यक्ति चल नहीं पाता और ऐसी अवस्था में महाराज जी लगातार एक ही गति में दौड़ते हुए परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। आप महाराज जी की भक्ति देखिए कि लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराज जी का आगे से भी हम दर्शन कराएंगे, महाराज जी का अद्भुत दर्शन है और इसी भाव से यहाँ के लोग बताते हैं कि कई वर्षों से महाराज जी इसी तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं। करीब 1.5 किलोमीटर हो गया है और महाराज जी इसी गति से लगातार परिक्रमा लगाते चले जा रहे हैं। ये वृंदावन में राधा रानी की कृपा के बिना, ठाकुर जी की कृपा के बिना हो नहीं सकता। 90 वर्ष की उम्र में इतनी गति से दौड़ना, लगातार दौड़ना। अब मौसम भी देखिए थोड़ा हल्का हल्का ठंडा है लेकिन महाराज जी पूरे पसीने से तरबतर हैं, पूरा पसीना पसीने से लथपथ हैं, लेकिन महाराज जी की गति जो है वो नहीं रुकने वाली। ऐसे प्रभु का दर्शन, ऐसे अद्भुत संत का दर्शन जो है वो सबसे पुण्य है और ये दर्शन हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाला है, हम सबके भाग्य को उदय करने वाला है। इतना अद्भुत दर्शन, इतना भावपूर्ण दर्शन जो हम सबके जीवन को धन्य करने वाला है। महाराज जी की ये गति देखिए और आगे से भी मैं कोशिश करूँगा